हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, वीकेंड खत्म हुआ, मंडे शुरू होने को आया है और अब मेरे भाई ये हफ्ता बुरा जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। रशिया यूक्रेन का क्या होगा ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ढेर सारी न्यूज है बिटकॉइन के लिए और कुछ बहुत बहुत बुरी न्यूज है डीफाई टोकन्स के लिए। क्या है वो न्यूज, क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका डीफाई टोकन्स के ऊपर, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉइन गेको से। सो सबसे पहले आज का जो मार्केट है वो 1.83 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। 1.5% मार्केट जो है वो नीचे है। ओके, डोमिनेंस बिटकॉइन का थोड़ा गिरा है, इथेरियम का डोमिनेंस स्टेबल है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, बट यार अगेन भाई अभी पूरा का पूरा शो बिटकॉइन का ही रहने वाला है। बिटकॉइन का करंट प्राइस 39K, सो बिटकॉइन थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, हम लोगों ने अच्छे खासे लोज लगते देखे हैं बिटकॉइन में। बट एक चीज जो अभी मैंने नई जानी है इनफैक्ट, क्योंकि मुझे हमेशा क्या लगता था यार कि जो रिवर्सल होता है ना, ओके मैं आपको बताता हूँ। सो एक चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। सो जैसा अगर आपको याद हो तो मैं आपको बोल रहा था कि ये कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज होती है तो ये बहुत बुरी कैंडल है, इसे इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। लेकिन जनरली ये कैंडल हमेशा मार्केट के टॉप पे होती है। ओके, सो अगर आप बिटकॉइन का 2017 का साइकिल जाके देखोगे ना, आई थिंक ये साइकिल था, ये कब का है, 2018, हाँ, इसे अगर मैं वीकली पे देखूं, ओके, या फिर एक्चुअली यहाँ पे है वो, तो आप देख सकते हो ये 2017 नहीं बट ये 2019 में। तो ये जब कैंडल होती है ना, ये मार्केट के टॉप पे ऐसी कैंडल क्लोज होती है इवनिंग स्टार, और उसके बाद बहुत सॉलिड डाउन ट्रेंड आता है। ओके, सो वैसा ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही कैंडल बन रही थी और मुझे वही टेंशन था यार कि ये कैंडल यहाँ है लेकिन ये तो बॉटम पे बन रही है। ओके, सो जब ये बॉटम पे बनती है ना, इस कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये बीटीसी फ्यूल है, उन्होंने ये सेम कैंडल पकड़ी है, तो अगर आप देखोगे तो इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोला जाता है। और जनरली ये कैंडल जो है वो पोटेंशियल रिवर्सल ही हमें बताती है। ओके, सो होपफुली ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो इन्वर्टेड हैमर और यहां से हमारा जो मार्केट है वो रिवर्स हो, बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ निकले। और वही होगा यार, अब तुम देखो रशिया का जो गेम, मतलब रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन पे और वो, और यूक्रेन के क्राइसिस जो चल रहे है वो जल्दी रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे। ओके, ये इंडिया पाकिस्तान की तरह ही है, तुम देखो सालों साल ये लोग वैसे ही लड़ते झगड़ते रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है। अब यूक्रेन ने एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो रशिया से देखा नहीं गया, और मतलब वो रशिया के साइड से भी वो पॉइंट ठीक है। तो वही है यार, ये चीजें जल्दी सेटल डाउन होती हुई नहीं दिख रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाती है, तो यहाँ अगर तुम देखोगे ना, वो बिल्ली जो है वो चाइना है। चाहे वीजा और मास्टर कार्ड ने अपने सर्विसेज बंद कर दिए हैं रशिया में, लेकिन चाइना का यूनियन पे जो है वो भैया चालू है और रशिया उस यूनियन पे को यूज करके अपने पैसे ट्रांसफर कर सकता है। और अगर चाइना और रशिया की दोस्ती हो जाती है तो मेरे भाई वेस्ट को फिर संभलना पड़ेगा, क्योंकि अगर रशिया चाइना को बैक करता है तो फिर जो ताइवान हम लोगों ने देखा है बचते हुए रशिया के चंगुल से, सॉरी चाइना के चंगुल से, वो शायद नहीं बचेगा। और एक और बड़ा ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, बुरी न्यूज या फिर एक ऐसा बुरा वक्त हम सबको देखना पड़ सकता है। ओके, लेकिन ये बुरा वक्त जो है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, क्योंकि तुम देखो इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ते ही जाने वाला है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है यार, तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तुम अपनी तिजोरियों में, अपने बैंक्स में, अपने एफडीज में पैसा नहीं रख सकते हो। तुम अगर एफडीज में भी पैसा रखते हो तो कल को तुम्हारा ही देश बोल सकता है कि यार ये पैसा मुझे यहाँ झगड़े में चाहिए, लड़ाई में चाहिए, मुझे तुम्हें बींग अ सिटीजन तुम्हें गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, तुम अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते हो और तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो वैसे सिचुएशंस में क्रिप्टो ही ऐसा है, लेकिन फुल क्रिप्टो में पैसा हो वैसा मैं नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें
मैंने एक पोर्टफोलियो का वीडियो भी बनाया है, मेक श्योर वो देखो। और अगर तुमने वो वीडियो मिस किया है तो मेरे भाई ऐसे अच्छे वीडियोस हम लोग बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिस नहीं करो। तो ओके, लेकिन लॉन्ग टाइम ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है अभी स्टॉक्स क्रिप्टो में घुसने का, क्योंकि बाद में तुम्हें इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। ओके, और क्यों इतना स्ट्रॉन्गली मैं यह बोल रहा हूं, तुम यहां देखो एप्पल यार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का जो को फाउंडर है वो बोल रहा है बिटकॉइन इज प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो मेरे भाई हम लोग जो इस क्रिप्टो मार्केट में इतनी देर से है तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और हम क्यों डर रहे हैं छोटे छोटे डिप्स या करेक्शन से, राइट? ओके, सो अगेन मैं वही कहूंगा बिटकॉइन देखो, अगर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है तो यहाँ पे हम रिवर्सल देखेंगे, होपफुली हम लोग नीचे तक नहीं आएंगे, बट स्टिल मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस मेरे पास आए, नहीं आता है तो भैया जाए, एनीवेज मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा, सिर्फ एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं होगा, विच इज फाइन, मतलब वो जहां है वो वहीं रहेगा। ओके, बट मुझे रिस्की ट्रेड्स नहीं लेने हैं, मुझे फंसना नहीं है ट्रेड लेके। ओके, सो अगेन तुम्हें भी मैं वही सलाह दूंगा कि अभी थोड़ा रुको, अगर प्राइस तुम्हारे पास आए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आए तो हम लोग जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां ट्रेड लेंगे। ओके, अब ये तो देखो हुआ बिटकॉइन का, रशिया यूक्रेन का, अब अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाए। ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऑल्ट कॉइन्स एटलीस्ट स्टिल डोमिनेंस में थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, तुम देख सकते हो वेव्स अभी भी बहुत अच्छे गेन्स, 9 से 18 डॉलर्स 100% के गेन्स दिए हैं इस टोकन ने। कुसामा भाई साहब 123 डॉलर्स, ये रद्दी के भाव है ये टोकन, रद्दी के भाव, ये 1,000 डॉलर्स वाला टोकन है जो तुमको 123 डॉलर्स में मिल रहा है। ओके, सो अगेन टोकन थोड़े थोड़े अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ खास नहीं, 4.5% सिंगल डिजिट गेन है, जो बहुत मैं कहूंगा कि ऐसा बोरिंग मार्केट की निशानी है, बट ये मार्केट काफी जल्दी करेक्ट होगी, करेक्ट मतलब सही रास्ते पे जाएगी और हमारे पोर्टफोलियोज ग्रीन होंगे। वही है यार, क्या बोलूं, थोड़ा रुकना पड़ेगा थोड़ा और, लेकिन हिम्मत मत हारो, पेशेंस मत गवाओ, मार्केट से मत भागो, टाइम है बाय करने का, और चुपचाप थोड़ा 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 करके बाय करते रहो। ओके, अब हम लोग चलते हैं डीफाई टोकन्स पे, जिनके लिए आज बहुत बुरी न्यूज आई है। वो बुरी न्यूज क्या है, जो उनके मेन डेवलपर थे, ओके, उन्होंने आज क्विट कर दिया है, एंटन नेल। तो एंड्रे और एक ये एंटन, उन दोनों ने जो है वो डीफाई मार्केट से अभी मतलब दे मूव्ड आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, और उसकी वजह से डीफाई मार्केट में जो है वो बहुत सॉलिड ऐसा गिरावट आई है, स्पेशली वाईफाई या फैंटम ऐसे बड़े नाम है जिनमें तुम देख सकते हो 13-13, 14-14% का करेक्शन आया है। ओके, अब ये मेन डेवलपर ने तो छोड़ दिया प्रोजेक्ट, अब हुआ क्या इसके बाद, प्रोजेक्ट की बैंड बच गई, या फिर अभी प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए या सब बेच दें, या फैंटम अब अच्छा प्रोजेक्ट नहीं रहा, वाईफाई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। क्यों, वो यहां देखो, सबसे पहले तो अगर तुम ऑल चेन्स में जाते हो तो पूरा का पूरा डीफाई मार्केट जो है वो काफी हाईज पे था, लेकिन अभी अगर तुम ओवरव्यू में जाते हो तो हम लोग 194 बिलियन पे है। ओके, सो ऑलमोस्ट 234 बिलियन से 194 बिलियन, सो पूरा डीफाई मार्केट ही गिरा है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी वजह से ही है। ओके, और उसके बाद अगर तुम फैंटम देखोगे तो अभी भी फैंटम में $7.5 बिलियन का टीवीएल जो है वो लॉक्ड है, $7.5 बिलियन का। ओके, और अगर तुम फैंटम के मतलब फैंटम का करंट प्राइस 1.43 है, और एनीवेज मैं तो यहाँ पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बाइंग जोन था और मैं हेवीली ये टोकन बाय कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, अगर तुम इनके ट्विटर के ऊपर भी जाते हो, ओके, तो देखो ये लोग क्या लिखते हैं कि हाँ ठीक है यार एंड्रे जा रहे हैं, हम लोगों को दुख है, लेकिन सिर्फ उन्हीं की वजह से फैंटम नहीं चल रहा था, 40 से ज्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा अगर तुम देख सकते हो अभी भी वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि ठीक है वो जा रहे हैं तो जाने दो, लेकिन हमारा जो काम है वो चलता रहेगा, और बड़ी चीजें जो है वो दे आर स्टिल स्केड्यूल्ड, और वो सब जो है चीजें लाइंड अप है और आएंगी भी जल्दी। ओके, उसके अलावा अगर तुम वाईफाई के वेबसाइट पे भी जाते हो, आई मीन ट्विटर के ऊपर भी जाते हो, तो उनका भी वही कहना है कि यार इस बंदे ने तो एक साल पहले ही वाईफाई प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था,
ओके सो अगर तुम देखते हो तो उन्होंने तो 1 साल पहले ही उस प्रोजेक्ट से संन्यास ले लिया था, उसके बावजूद प्रोजेक्ट जो है वो लगातार अच्छा काम कर रहा था, स्टिल दे आर गोइंग गुड, और डीफाई फ्यूचर है यार, किसी एक बंदे के जाने से पूरा प्रोजेक्ट हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो प्रोजेक्ट स्पेशली जो तुम्हें आके खुद से अपडेट दे रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं अपने काम से, अपने जितना भी उनका क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटीज से तुम्हें अगर वो बता रहे हैं कि यार ये देखो ये हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्लान है, मीटिंग्स ले रहे हैं, आस्क मी एनीथिंग जैसे सेशन सेटअप कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स कुछ करना चाहते हैं यार, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं उसको यार, वो एक वर्ड था ना ऐसा, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड ही भूल गया यार, ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिप्टो में हमने काफी बार देखा कि ऐसा प्रोजेक्ट सीधा जीरो हो जाते हैं। ओके ठीक है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट मैं वही कहूंगा कि यहाँ ऐसा कुछ तुम्हें धोखाधड़ी नहीं दी जा रही है और प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये तो हुई बात फंडामेंटली, तुम अगर टेक्निकली भी देखो तो फैंटम के लिए ये बहुत ही परफेक्ट बाइंग जोन था हमेशा से, मैंने तुम्हें वही बोला था, व्हाइट लाइन के ऊपर बाय करेंगे, और यहां से अगर वो जाता है, अगर इन केस जाता है जो मुझे नहीं लगता, तो अपना पोजीशन बिंदास डबल करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इजीली $20 तक जाने वाला है, इजीली $20 तक। ओके दूसरी तरफ वाईफाई, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, वीकली चार्ट पे अगर तुम देखते हो तो ये 0.5 जो है वो फिब लेवल है, और अगेन मैक्स टू मैक्स हम लोग शायद 0.618 तक आए, अगेन जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, यहीं से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वापस ऊपर की तरफ निकले, $42 की तरफ, $42,000 की तरफ। लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स है, वर्थ होल्डिंग है, और तुम लोगों ने अगर पहले पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किए थे तो अब ये बेस्ट टाइम है टू ऐड देम। ओके फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च जरूर करना, बट दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे यार, और डीफाई फ्यूचर है मेरे भाई। तुम अभी से उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें 3-4 साल में 20-20-25-25x के रिटर्न्स देने वाले हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। ओके और अगेन मंडे है, देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है, बट वही है यार, होपफुली तुम्हें प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बने रहो, बाय द डिप करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके डीसीए करो, दिन अच्छे आएंगे, जैसा वो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो डेफिनेटली आएंगे। ओके तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।